हैं, सुरक्षित रहें ये कोरोना महामारी के चलते। इसलिए सरकार ने सभी विद्यालयों ने यह निर्णय लिया कि आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आप लोगों के पाठ्यक्रम को पूरा कराया जाए। और आप लोगों से भी हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑनलाइन टीचिंग का पूरा लाभ उठा रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग में पढ़ाने वाली हूँ वाक्य। वाक्य वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह होता है जो किसी ना किसी भाव को प्रकट करता है, वह वाक्य कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों का एकत्रित समूह जो हमें किसी ना किसी भाव को प्रकट करने करता है वह वाक्य कहलाता है। वाक्यों को दो आधार पर बांटा गया है, वो कौन से दो आधार हैं? एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। कक्षा 9 में हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों का अध्ययन किया था, जैसे कि आप लोगों ने प्रश्नवाचक, आज्ञासूचक, विधिवाचक, संकेतवाचक, संधेयवाचक, तो ये सारे क्या थे? अर्थ के आधार पर वाक्य थे। लेकिन कक्षा 10 में हमारे आ रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य थे। तो रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद माने गए हैं। क्या? मैं चाहती हूँ आप लोग अपने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में इन चीजों को नोट डाउन करो। तो रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से 3 भाग? पहला है सरल, या हम साधारण कह सकते हैं। इसे आप इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस। दूसरा है संयुक्त वाक्य। और तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य। अब इन 3 वाक्यों में क्या अंतर है इसके विषय में हम जानेंगे। पहला है साधारण या सरल वाक्य। सरल वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ध्येय होता है। उद्देश्य मीन्स एक ही संज्ञा होती है और एक ही क्रिया होती है, अर्थात इसमें उपवाक्य नहीं होते। दूसरा है इसमें एक क्रिया होती है और उपवाक्यों का इसमें उपवाक्यों को शामिल नहीं किया जाता, अर्थात इसमें 2 वाक्यों को जोड़ा नहीं जाता। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं इस चीज को हम उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे राम गेंद से खेलता है, यहां पर एक ही क्रिया है और एक ही संज्ञा है। तो संज्ञा को हम बोलते हैं उद्देश्य और गेंद से खेलता है, ये होता है उद्देश्य। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं तुम कब जाओगे, इसमें भी एक ही संज्ञा है और दूसरा विधेय जिसे हम क्रिया क्रिया जाओगे और इस सारे सेंटेंस को हम कह सकते हैं विधेय। दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य।
दूसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्यों में दो से अधिक वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं। क्या? संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जो है वो योजक चिन्हों द्वारा जुड़े रहते हैं। योजक चिन्ह आप लोग जानते हैं, जिसे हम सरल में कहते हैं कारक चिन्ह भी कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य में संयुक्त वाक्यों में दो या दो से अधिक अधिक वाक्य योजक चिन्हों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दूसरा है, इसमें योजक चिन्ह के चिन्ह के रूप में हम प्रयोग करते हैं किंतु, परंतु, इसलिए और या अथवा अन्यथा आदि योजक चिन्हों द्वारा योजक चिन्ह द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े जाते हैं। तीसरा है, योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तीसरा है, योजक शब्द जो होते हैं, योजक चिन्ह जो होते हैं, चिन्ह या शब्द जो होते हैं वे अव्यय होते हैं। अव्यय पद वो पद होते हैं जो अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते, अर्थात जिस स्थिति में रहते हैं उसी वैसे ही जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही होते हैं, अर्थात वे अपने रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते। जैसे कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा था अव्ययी भाव समास वो समास कहते हैं जो अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते, इनको संयुक्त वाक्यों को समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम संयुक्त वाक्य को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला है, मैं बीमार था। इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। यहाँ पर ये है, पहला सेंटेंस है मैं बीमार था। ठीक है, एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये है और जुड़ा किसे है, इसलिए। ठीक है, योजक चिन्हों द्वारा जोड़ा गया है। दो सेंटेंस है, विद्यालय नहीं आ सका और पहला है मैं बीमार था, तो पूरा हो गया मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आता। तो इसमें यह है, अगर मैं बीमार था तो ये सेंटेंस में अधूरा लगता है और विद्यालय नहीं आता ये पूरा तो लगता है, लेकिन फिर भी अपने आप में पूरा नहीं है, इसलिए हमें इसे पूरा तरीके से कहना है मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका।
दूसरा है मजदूर इतनी मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे पूरा लाभ नहीं मिलता, लाभ नहीं मिल पाता। यहाँ पर भी दो सेंटेंस है जिसे हमने परंतु के माध्यम से जोड़ा है। पहला है मजदूर मेहनत करता है, दूसरा है उसे उसकी मेहनत का लाभ पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो उसे उसे उसकी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, कब नहीं मिल पाता। तो इस सेंटेंस से हमें इस वाक्य से हमें इस वाक्य को पूरा करने में सुविधा होती है, या कह सकते हैं हम इस वाक्य के माध्यम से हमें ये वाक्य पूरा दिखाई देता है। क्या है? मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे उसकी मेहनत का लाभ नहीं मिल पाता। एक और कहते हैं क्या सोचा था, क्या हो गया, क्या सोचा था, सोचा था और क्या हो गया, क्या हो गया। यहाँ पर भी हमें अगर हम सोचेंगे क्या सोचा था तो वाक्य में अधूरा लगता है। जब हमें ये लिखा क्या हो गया तो हमें वाक्य जो है अधूरा लगता है, अर्थात ये वाक्य जो है उपवाक्य के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये है हमारा संयुक्त वाक्य। कभी कभी ऐसा भी होता है संयुक्त वाक्यों में कई बार अव्यय शब्दों का लोप होता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें संयुक्त वाक्य में अव्यय जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते, जो जब चिन्ह दिखाई नहीं देते। लास्ट है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जो है, मिश्र वाक्य भी एक द्वितीय मिश्र वाक्य में भी एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो बच्चों यहां पर यह है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा जो है वो आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य मीन्स जो मुख्य, प्रधान का तात्पर्य होता है मुख्य, मुखिया, और दूसरा आश्रित उपवाक्य जो उसके ऊपर आश्रित रहता है। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उन दोनों वाक्यों को साधारण वाक्य में बदले, साधारण वाक्य में उन वाक्यों को परिवर्तित करने पर हमें इस बात की जानकारी मिलती है या हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाक्य आश्रित है और कौन सा वाक्य प्रधान है। तीसरा है बच्चों मैं चाहती हूँ इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में नोट करें ताकि आपको आगे भी इन्हें पढ़ने में परेशानी का अनुभव ना हो। ये उपवाक्य
ये वाक्य आपस में योजक चिन्हों द्वारा द्वारा जुड़े रहते हैं। ये योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह होते हैं होते हैं जब तक जहां वहां की क्योंकि इसको भी हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। मिश्र वाक्यों को भी हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जब राम ने मेहनत की तब वह पास हो गया। जब राम ने की तब वह पास हो गया। इसे देखा है जब राम ने मेहनत की तब वह पास हो गया। अब इसमें हमें ये पता करना है, इस बात से हमें मालूम पड़ गया जब और तब से हमें इस बात का पता चल गया कि मिश्र वाक्य है। अब हमें इस बात का पता लगाना है कि इसमें कौन सा प्रधान उपवाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। तो मैं आपसे इसके पहले बताया था कि हम इसे सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, साधारण वाक्य में इसको परिवर्तित करेंगे, उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कौन सा प्रधान है और कौन सा आश्रित है। तो जब राम ने मेहनत की तब वह पास हो गया, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, मेहनत करने पर राम पास हो गया। क्या? मेहनत करने पर राम पास हो गया। तो इसमें क्रिया किसकी आ रही है, इसमें क्रिया आ रही है इसकी, तब वह पास हो गया। वह पास हो गया, वह पास हो गया, इसकी क्रिया आ रही है सेकंड सेंटेंस जो है उसकी क्रिया आ रही है, जब राम ने मेहनत की तब वह पास हो गया। तो जब सिंपल सेंटेंस में हम लोग वाक्य को बदलते हैं या परिवर्तित करते हैं, किसी भी वाक्य को जब हम मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य में परिवर्तित करते हैं और दोनों में से जिस वाक्य की क्रिया आती है वह वाक्य प्रधान वाक्य होता है। जैसे जब राम ने मेहनत की तब वह पास हो गया, इसको हम सिंपल वाक्य में कह सकते हैं कि राम के मेहनत करने पर वह पास हो गया। तो क्रिया कैसे आ रही है, पास हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वह पास हो गया, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है, और जब राम ने मेहनत की वह आश्रित उपवाक्य है। दूसरा हम उदाहरण देते हैं, जैसे ही घंटी बजी, जैसे ही घंटी बजी बच्चे स्कूल की तरफ दौड़े। जैसे का प्रयोग किया है, थर्ड मैंने आपको बताया था कि इसके लिए योजक चिन्ह कौन-कौन से होते हैं, जैसे हो गया, जन हो गया, तत हो गया, की हो गया, तुम्हारी हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा है कि जैसे ही घंटी बजी बच्चे स्कूल की तरफ दौड़ पड़े।
अब इसमें भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि अगर हम इसमें से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान बना सकते हैं तो चाहो तो आप इसको साधारण वाक्य में बदल सकते हो। अब साधारण वाक्य में हम कैसे बहुत बदलेंगे, जैसे कि घंटी बजी बच्चे स्कूल में गरम दौड़ पड़े, जिसको हम लिख सकते हैं कि घंटी बजते ही बच्चे स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। ऐसे कि घंटी बजते ही बच्चे स्कूल की तरफ दौड़ पड़े, तो इसमें इसकी क्रिया है स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। ठीक है, हमने जब इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया है, सिंपल सेंटेंस में बदला तो इसमें लिखा कि जैसे ही घंटी बजी बच्चे स्कूल की तरफ दौड़ पड़े, तो हमने लिखा घंटी बजते ही बच्चे स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। तो क्रिया जिस वाक्य की क्रिया आ रही है, तो हमने जब उसको साधारण वाक्य में बदला तो क्रिया किसकी आ रही है, क्रिया आ रही है दूसरे सेंटेंस की कि बच्चे स्कूल की तरफ दौड़े, घंटी बजते ही बच्चे स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। तो ये जो दूसरा वाक्य है जिसकी क्रिया आ रही है वो क्या है, वो है प्रधान, और जिसकी क्रिया नहीं आ रही है वो क्या है आश्रित। और एक उदाहरण देखते हैं, जो पढ़ता है वही बात होता है, पढ़ता है वही बात होता है। अब इस वाक्य से आपको इस बात की जानकारी तो हो गई कि जो पढ़ता है वही बात हो गया, मीन्स जो और वही का प्रयोग करने से हमें इस बात की जानकारी तो मिल गई कि यह मिश्र वाक्य है। अब अगर हमें इसे इसके बारे में ये पता करना है कि ये इसमें से आश्रित कौन सा है और प्रधान कौन सा है, तो फिर हम वही इसको सिंपल सेंटेंस में या कह सकते हैं कि साधारण वाक्य में हम इसे परिवर्तित करते हैं, और साधारण वाक्य में परिवर्तित करने पर हमें वाक्य कैसे मिलता है कि पढ़ने वाला ही पास होता है। तो क्रिया किसकी आई, वही पास होता है। क्रिया किसकी आई, हम जब इसको सिंपल सेंटेंस में या कह सकते हैं साधारण वाक्य में सरल वाक्य में जब इसे बदलते हैं, तो हमने लिखा जो पढ़ता है वही पास होता है, हमने इसको साधारण वाक्य में बदला कि पास होने वाला पढ़ने वाला ही पास होता है। तो क्रिया यदि आ रही है तो ये क्या है, ये प्रधान वाक्य है। एक बात की और जानकारी देना चाहूंगी कि जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं, हैं वे प्राय जो कि क्योंकि जिसे आदि योजक चिन्ह द्वारा जुड़े रहते हैं, द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट, मिश्र वाक्य में तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य जो होता है उसको तीन उपवाक्यों में बांटा गया है। मिश्र वाक्य जो होते हैं उसमें तीन उपवाक्य होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मिश्र वाक्य को तीन उपवाक्यों में बांटा गया है। वो तीन उपवाक्य कौन से हैं, मिश्र वाक्य को तीन उपवाक्यों में बांटा गया है। फिर तीन उपवाक्य होते हैं, पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण
विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? संज्ञा उपवाक्य, सही बात। आपको क्या आता है कि आश्रित और प्रधान बताइए, ठीक है। वाक्य लिख देते हैं और उसमें पीछे ब्रैकेट में देते हैं कि प्रधान उपवाक्य की पहचान कीजिए। कई बार आप लोगों को सेंटेंस देने के बाद ये लिख देते हैं कि संज्ञा उपवाक्य की पहचान कीजिए, कई बार लिख देते हैं कि आश्रित उपवाक्य की पहचान कीजिए। तो मिश्र अर्थों को कितने भागों में बांटा गया है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण वाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इनकी पहचान कैसे की जाए, ठीक है, किस तरीके से हमें मालूम पड़े कि ये संज्ञा उपवाक्य है और कैसे हमें मालूम पड़े कि यह विशेषण उपवाक्य है या ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो इनको समझने का या इनकी पहचान करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। कैसे? संज्ञा उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, जो संज्ञा उपवाक्य जो होते हैं वो प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े रहते हैं। संज्ञा उपवाक्य जो होते हैं वो प्रधान उपवाक्य से, ठीक है, संज्ञा उपवाक्य जो होते हैं वो प्रधान उपवाक्य से की योजक चिन्हों द्वारा जुड़े रहते हैं। तो पहला हम इस वाक्य को लिखेंगे कि संज्ञा उपवाक्य उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से उपवाक्य से की योजक चिन्हों द्वारा की योजक द्वारा जुड़े हैं। उसने कहा कि आज वह विद्यालय नहीं आ पाएगा। उसने कहा कि आज वह विद्यालय नहीं आ पाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। उसने कहा कि वह आज विद्यालय नहीं आ पाएगा, आ पाएगा। अब यहां पर जो है संज्ञा उपवाक्य किसके साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, यानी कि ठीक के बाद वाला वाक्य जो है वो क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें से संज्ञा उपवाक्य क्या है या वाक्य देने के बाद आप लोगों को परीक्षा में, ठीक है, पूछा जाए कि इसमें से संज्ञा उपवाक्य कौन सा है, तो बच्चों की के बाद वाला वाक्य जो है इसे जो जुड़ा हुआ है कि क्या है? योजक चिन्ह है। कि योजक चिन्ह वाला की योजक चिन्ह से जो वाक्य जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है? संज्ञा उपवाक्य वाक्य कहलाता है। तो यह उसने कहा कि वह आज विद्यालय नहीं आ पाएगा, तो वह आज विद्यालय नहीं आ पाएगा, ये जो वाक्य है ये है संज्ञा उपवाक्य। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। विशेषण वाक्य, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से, कौन से? विशेषण उपवाक्य जो होते हैं वो प्रधान उपवाक्य से संबंध वाचक सर्वनाम जो संबंध बताते हैं,
ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम जिसके जिसने जिसे आदि शब्दों से जुड़े रहते हैं। यह उपवाक्य किसे? प्रधान उपवाक्य से संबंधवाचक सर्वनाम द्वारा। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से संबंधवाचक वाचक सर्वनामों द्वारा सर्वनाम द्वारा जैसे जो जिसने जब आदि इसको हम उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यही तो मैं बता रही कि विशेषण उपवाक्य की पहचान, संज्ञा उपवाक्य की पहचान आपको समझ में आ रही है। संज्ञा उपवाक्य जो है वो की योजक चिन्ह द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मतलब की के बाद वाला जो वाक्य होता है वो विशेषण उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। कई बार प्रधान और आश्रित उपवाक्य होते हैं वो बच्चों को समझ नहीं आते कैसे उनकी पहचान करनी, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी कि जब हम उसको साधारण वाक्य में बदलते हैं, साधारण वाक्य में बदलने के बाद जिस वाक्य की क्रिया है वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है और जिसकी क्रिया नहीं आती है वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है। तो सबसे पहले आप उस वाक्य को सरल वाक्य में बदलने का प्रयास करें। जब वो आपको सरल वाक्य में बदल जाए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसकी क्रिया आ रही है, और क्रिया आते से ही आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि कौन सा वाक्य प्रधान है और कौन सा आश्रित। कई बार कई पूछते हैं बच्चों कि कौन सा प्रधान वाक्य की पहचान कीजिए और आश्रित वाक्य की पहचान कीजिए, और कई बार ये दिया जाता है कि विशेषण वाक्य की पहचान कीजिए। तो आप लोगों को बता दिया, क्या बताया आप लोगों को कि संज्ञा वाक्य की पहचान कैसे होती है। हमने वाक्य देखा, उसने कहा कि वह आज विद्यालय नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर की के बाद वाला वाक्य जो है वो क्या है? संज्ञा वाक्य। जैसे ही मैंने उसे कहा कि वह कहाँ जा रहा है, तो ये कोई दूसरा वाक्य हम लेके देखें। मैंने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो इसमें संज्ञा उपवाक्य क्या है? वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि की के बाद वाला जो वाक्य है क्या कहलाएगा? संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि विशेषण उपवाक्य की पहचान कैसे की जाएगी। ये उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से संबंधवाचक सर्वनामों द्वारा जैसे जुड़े रहते हैं, सर्वनामों द्वारा जैसे जो जिसने या आदि शब्दों के आदि द्वारा द्वारा जुड़े रहते हैं। अब हम पहचान करके उदाहरण के माध्यम से अब हम विशेषण उपवाक्य की पहचान करें। वाक्य यह वही आदमी है जो कल यहां आया था, कल यहां आया था। अब वाक्य को देखते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें विशेषण उपवाक्य कौन सा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बता दिया कि जो के बाद वाला जो वाक्य है वो विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। तो आपने वाक्य देखा कि वही आदमी है जो कल यहां आया था,
तो इसमें विशेषण उपपद कौन सा हुआ, जो कल यहां आया था, ये हो गया हमारा विशेषण उपवाक्य। दूसरा आयाम देख सकते हैं, जिस आदमी को मैंने देखा था, को मैंने देखा, देखा वह घायल अवस्था में था, जिस आदमी को मैंने देखा वह घायल अवस्था में था। अब इसमें हमें मालूम पड़ा कि यहां बीच में जो जिस जब ये नहीं है, तो हमें मालूम पड़ा कि जिस आदमी को मैंने देखा, जिस कहां लगा है, आगे लगा है, ठीक है, बीच में नहीं, जिस नहीं लगा है या जो नहीं लगा है, ठीक है, कोई संबंधवाचक सर्वनाम नहीं लगा है, तो कहां लगा है संबंधवाचक सर्वनाम, आरंभ में, जिस आदमी को मैंने देखा। तो हमें जिस शब्द से ही इस बात की जानकारी हो गई कि इस संबंधवाचक सर्वनाम के कारण ये जो वाक्य है वो क्या है, विशेषण उपवाक्य है। अब हम चलते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य की ओर। अब हम चलते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिसमें कि क्रिया विशेषण क्रिया, ठीक है, क्रिया विशेषण की विशेषता, यानी इन वाक्यों में प्रधान उपवाक्य की क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या बताई जाती है इन वाक्यों से क्रिया से घटित होने की। दूसरा है, इन उपवाक्यों में, इन उपवाक्यों से, इन उपवाक्यों से क्रिया के, क्रिया के होने की रीति, होने की रीति, समय, समय, दिशा, स्थान, परिणाम आदि सूचना होती है। अब इनको वाक्य द्वारा इस प्रधान क्रिया विशेषण को हम, ठीक है, उदाहरण द्वारा समझेंगे। उदाहरण जैसे जैसे इनको जोड़ने का होता है, जैसे जैसे जब जब, ठीक है, जहां वह रोज दौड़ती है, जहां वह रोज दौड़ती है, वहां मेरा
क्रिया विशेषण है। लेकिन मैंने इसमें बताया था आपको कि यह उपवाक की प्रधान उपवाक की क्रिया की विशेषता बताती है। अब इसमें प्रधान उपवाक की क्या है, जहां रोज लौटती है वहां मेरा घर है, उसके वहां मेरा घर है जहां रोज लौटती है, ठीक है। इसको हम सिंपल सेंटेंस में बोलेंगे कि जहां वह दौड़ती है और मेरा घर वहां है जहां वह दौड़ती है, ठीक है। तो अब इसमें जहां वह दौड़ती है वो क्या हो गया, वो क्या क्रिया विशेषण वाक्य। तो बच्चों ये था आपका वाक्य।